हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज का ये वीडियो जो कि विजुअल बेसिक डॉट नेट का थर्ड लेसन का वीडियो है, इसमें हम लोग आज सीखेंगे सिंगल डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप के साथ काम करना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंटीजर डेटा टाइप के साथ। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक बटन ले रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूजर से एक रियल नंबर का इनपुट लिया जाए। ठीक है, तो इसके क्लिक इवेंट को खोलने के लिए, इस बटन वन के क्लिक इवेंट को खोलने के लिए इस पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक मैंने किया, देखिए आपके सामने बटन वन अंडरस्कोर क्लिक ऐसा लिखा हुआ ये यहाँ पे आ रहा है। इसी सेक्शन के अंदर आपको लिखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, मैंने लिखा डिम नम एज सिंगल। ओके, यहाँ पे सिंगल जो है ना वो एक डेटा टाइप है, तो ऐसा लिख के मैं एक्चुअली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नम नाम का, और जिसका टाइप क्या है भाई, तो सिंगल है। अब मैं नम में असाइन करता हूं, अब यहाँ पे टेक्निक समझिएगा, सी एस एन जी फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। सी एस एन जी क्या करता है कि ये जो भी इनपुट आ रहा है ना, या जो भी एक्सप्रेशन, जो भी आउटपुट इसके अंदर हम लोग देंगे, उसको ये कन्वर्ट कर देगा सिंगल में। यहाँ पे जैसे मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया 19, तो ये 19 एक्चुअली इंटीजर है, लेकिन CSNG इसको क्या करेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल में। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं 19+7, तो जो 19+7 का आउटपुट है ना, जो कि अगेन 26 जो कि इंटीजर होगा, उसको ये कन्वर्ट कर देगा सिंगल में। सिंगल मतलब पॉइंट में। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता हूं, मैं यूज करता हूं इनपुट बॉक्स, और यहां पे मैं यूजर के लिए मैसेज दे देता हूं इंटर एनी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब फ्लोटिंग नंबर जो पॉइंट में। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा यूजर के पास, वो जो भी इनपुट करेगा वो वैल्यू CSNG से होते हुए नम में जाके असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं MSG बॉक्स का यूज करता हूं और यहां लिख देता हूं कि द रियल नंबर इज, और अगेन यहां पे मैंने पहले भी बता रखा है आप नम सिर्फ नहीं यूज करोगे, आपको चूंकि नम जो है ना वो सिंगल है, तो आप यहां यूज कर लो str फंक्शन। ओके, str, और str में यहां पे नम को पास करा दो, क्योंकि हम लोगों को जो नम का वैल्यू है ना उसको इस मैसेज के साथ कंकटनेट करना है, इसके लिए दोनों का स्ट्रिंग होना जरूरी है। अब मैं इसके एग्जीक्यूट कराता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने दो अलग अलग फंक्शन यूज किया है। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, CSNG। CSNG के अंदर आप भी वैल्यू डालते हो, जो भी आप वैल्यू डालते हो या आप जो भी एक्सप्रेशन डालते हो, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। It converts the value or expression into single. ठीक है, और इसके अलावा मैंने आउटपुट के वक्त मैंने str यूज किया है। str के अंदर भी आप कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन ही रखते हो, सिंगल पैरामीटर रखते हो, और ये क्या करता है, तो ये वैल्यू या एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे आउटपुट आ गया, यहाँ पे एक फॉर्म वन बन के आ गया है। अब मुझे यहाँ बटन वन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं बटन वन पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा जो मैसेज मैंने दिया था इंटर एनी रियल नंबर वो आ गया। अब यहाँ पे आप डालते हो सपोज 12.67। ठीक है, जैसे ही ओके करते हो तो आप देखोगे आउटपुट में आपके सामने आ गया द रियल नंबर इज 12.67। तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली क्या यूज किया, दो फंक्शन यूज किया है। पहला फंक्शन हम लोगों ने जो यूज किया वो यूज किया है CSNG जो कन्वर्ट करता है सिंगल में, और दूसरा फंक्शन हम लोगों ने यूज किया है str। ओके, अब यहां पे हम लोग जो है अब SNG जो है, या जो str फंक्शन है ना, ये विजुअल बेसिक 6.0 का है, ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग है। ठीक है, आप चाहो अगर तो यहां पे CSNG के जगह पर आप यूज कर सकते हो
मैं दिखा दे रहा हूं, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। तो ये जो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल है ना, यहां पे पहले मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूं, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल ये जो फंक्शन है ये भी आपको सिंगल में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन ये आपका नया स्टाइल, न्यू वे ऑफ राइटिंग है। ये अवेलेबल कहाँ है? ये अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो 2000, किसी भी विजुअल स्टूडियो में जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं कन्वर्ट डॉट टू, ठीक है। और यहां पे जो मैंने str यूज किया, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, आप चाहो तो str भी रहने दो, लेकिन चूंकि अब वहां पे मैंने जो नया फंक्शन यूज किया है कन्वर्शन के लिए, तो यहां पे भी मैं यूज कर लेता हूं कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है? ये भी ये कन्वर्ट कर देता है, लाइक str, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। चलिए तो मैंने कर लिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देखता हूं। तब तक मैं इधर एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पे मैंने कन्वर्ट डॉट टू सिंगल यूज किया सिंगल में कन्वर्शन के लिए, और str की जगह पर मैंने यूज कर लिया है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। कन्वर्ट डॉट टू सिंगल जो है ना, ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो csng करता है, और कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग जो है वो एग्जैक्टली वही काम करता है जो str फंक्शन करता है। दोनों कन्वर्शन फंक्शन ही है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आउटपुट यहां पे क्या आता है। और एक बात यहां पे है कि जैसे अगर आपको डबल के लिए काम करना है ना, तो जहां पे मैंने वेरिएबल बनाया है ना, डिक्लेयर किया डिम नम एज सिंगल, आपको वहां पे नम एज डबल कर लेना है, ठीक है। यहां पे आउटपुट थोड़ा, सिस्टम मेरा स्लो है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब देखिए यहां पे आपके पास फॉर्म आ गया है। अभी बटन वन पे मैं क्लिक करता हूं तो ये जैसा कि पिछले बार इसने मांगा था इंटर एनी रियल नंबर, इस बार भी इसने रियल नंबर मांगा है। मैंने यहां रियल नंबर डाल दिया 9.8, ओके। और देखो मैसेज में द रियल नंबर इज 9.8 आ रहा है। यहां पे देखो इज के बाद स्पेस आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे स्पेस नहीं दिया है। आप चाहते हो तो यहां पे ये इज के बाद एक स्पेस दे दो। अभी डबल के साथ अगर काम करना है, डबल और सिंगल में अंतर क्या है? बस सिर्फ साइज का, और साइज का चूंकि अंतर है ना, सिंगल से जस्ट डबल, डबल होता है तो रेंज का भी फर्क हो जाता है। तो अगर आपको कोई बहुत लार्ज वैल्यू लेना है जो कि सिंगल में नहीं आ पा रहा है, तो आप वहां पे सिंगल की जगह आप डबल यूज कर लो, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन है टू डबल का न्यू स्टाइल में। जैसा कि देखिए मैंने यहां पे टू डबल यूज कर लिया। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये अगेन एक रियल नंबर का इनपुट लेगा और उसको डिस्प्ले करेगा, लेकिन रेंज जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। यहां पे मैंने क्या यूज कर लिया है, मैंने यूज कर लिया टू डबल, यहां पे मैंने यूज कर लिया है टू डबल। देखो यहां बटन वन पे मैंने क्लिक किया, अब मैं पे कोई लार्ज वैल्यू ऐसे ही लिख देता हूं, ओके द रियल नंबर इज, ठीक है। तो यहां पे मैंने यूज कर लिया टू डबल का, और ये तो टू स्ट्रिंग का मैंने यूज किया ही था। आप अगर चाहो तो ओल्ड स्टाइल में अगर आपको कोड लिखना है, तो आप यहां पे कन्वर्ट डॉट टू डबल के जगह पर आप cdbl भी यूज कर सकते हो, और सिमिलरली कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग के जगह पर अगेन आप str यूज कर लो। यहां पे फिर से मैं str यूज करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ओके। तो पता ये चलता है कि कन्वर्ट डॉट टू डबल जो काम कर रहा है ना, वो एक्चुअली cdbl भी वही काम कर रहा है, और ये इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन str की तरह काम करता है। तो अगेन हम लोग आउटपुट देखते हैं। अभी देखो यहां पे ये आउटपुट है, यहाँ पे बटन वन पे मैंने क्लिक किया, इंटर एनी रियल नंबर ऐसा मैसेज आया, कोई भी एक लार्ज वैल्यू, या आप इंटीजर भी डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ओके।
तो यही तो फायदा है ना कि सिंगल या डबल के साथ आप इंटीजर को भी ट्रीट कर सकते हो। तो अगर ये भी एक चीज है कि अगर आपको आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि डाटा टाइप क्या होगा, तो आप लार्जेस्ट डाटा टाइप ले लो, थोड़ा सा मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होगा लेकिन वो हर एक डाटा टाइप के साथ काम कर जाएगा, नंबर के साथ। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग काम करते हैं सिंगल और डबल डेटा टाइप के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कन्वर्शन समझ में आया होगा, आप लोग ही प्रैक्टिकल करके देख लोगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो आप कमेंट करें, जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो जो है आप देख रहे होगे अगर इस समय तक, तो आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।